हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ एकदम रियल कट ऑफ SSC GD 2023 क्या रहने वाली, एकदम फाइनल कट ऑफ। फ्रेंड्स, क्या एकदम रियल फाइनल कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताऊँगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक जरूर देखे रहे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको वो बता दें कि सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो वैकेंसी हैं वो बढ़कर हो गई हैं 46,435। ओके फ्रेंड्स, कितनी हो गई हैं? 46,435। और फ्रेंड्स कुछ भरोसा नहीं है SSC का। क्या है कि SSC रिजल्ट से पहले भी वैकेंसी बढ़ा सकती है? क्या रिजल्ट से पहले भी वैकेंसी बढ़ा सकती है? यानी कि अभी कोई भरोसा नहीं है SSC का। अभी जारी है विराट का बल्ला और SSC का हल्ला लगातार जारी है फ्रेंड्स। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। यहाँ 46,000 से कहो 50,000 ना हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए अभी लगातार जा रही है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको बता दें, पहले जो वैकेंसी थी वो 25,000 थी। क्या वैकेंसी पहले 25,000 थी, उसके बाद फिर नोटिस में बढ़ के हुई थी 45,000। 45,000 होने के बाद कुछ अब बढ़कर हो गई हैं 1,135 वैकेंसी, बढ़कर हो गई हैं 46,435 वैकेंसी हो चुकी हैं। ओके फ्रेंड्स, और इससे जो वैकेंसी बढ़ी है 1,100 कुछ करके 22 करके, उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो SSC GD 2022 में जो कैटेगरी वाइज फॉर्म डाले गए थे, जिसमें जनरल कैटेगरी ने जो फॉर्म डाला था वो 8,66,650 फॉर्म डाले गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स OBC कैटेगरी में 23,71,606 फॉर्म डाले गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स AWS कैटेगरी में 3,02,333 फॉर्म डाले गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स SC कैटेगरी में 11,95,174 फॉर्म डाले गए थे। उसके बाद ST कैटेगरी में 6,80,175 फॉर्म डाले गए थे। तो फ्रेंड्स क्या है, जो अप्रॉक्स टोटल फॉर्म डाले गए थे, जो फॉर्म डाले गए थे 54,15,938 फॉर्म डाले गए थे। ओके फ्रेंड्स, 54,15,938 फॉर्म डाले गए थे। ओके, अब इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इतने फॉर्म में जो डाले गए थे उनमें से क्या है, 30% स्टूडेंटों ने एग्जाम नहीं दिया। यानी कि 30% स्टूडेंटों ने एग्जाम नहीं दिया, तो दिया कितने ने, 70% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो 30% थे वो कैसे थे, एक तो ऐसे थे उनका मेडिकल नहीं हो, मतलब जैसे कि चश्मा लगा होगा, ब्राइटनेस होगा, तो उनका जिन्हें एग्ज़ाम नहीं दिया उन। और कुछ लोग ने ऐसा डाला जिनकी तैयारी नहीं है, उनने भी डाल दिया, चलो देखते जाएंगे, 10 सही है और 100 रुपये लग रहे थे, उनने डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स किसी की हाइट नहीं है, उनने भी फॉर्म डाल दिया था। ऐसे करके कुछ लोगों ने फोटो टू में डेटा नहीं थी तो गलत हो गया, उसकी वजह से 30% स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, यानी कि 70% स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया। अब 54,15,938 का 70% कितना होता है फ्रेंड्स, चलिए ये आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स SSC GD मेल कट ऑफ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मेल कट ऑफ, उसके बाद फीमेल कट ऑफ, उसके बाद रिजल्ट की जानकारी एकदम रियल। तो इससे पहले आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं SSC GD मेल कट ऑफ। फ्रेंड्स क्या है, जो मेल जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, मेल जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, उससे पहले आपको बता दें कि जो 54,15,938 की जो 70% होता है वो कितना होता है, 38,000 कुछ करके होता है, मतलब 38,00,000 कुछ करके होता है। 38,00,000 लोगों ने फॉर्म एग्ज़ाम दिया था इस बार, तो उनके हिसाब से मैं कट ऑफ लेके आया हूँ। उनके हिसाब से कट ऑफ क्या लेके आया हूँ, चलिए देखते हैं। जो SSC GD मेल कट ऑफ है, मेल कट ऑफ में जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो फ्रेंड्स क्या है, 160 नंबर में से 108 से 112 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतने नंबर पर फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल सिलेक्शन का है, क्या है ये फाइनल सिलेक्शन का है। ओके फ्रेंड्स, 108 से 112 नंबर पर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल क्या है, इनसे 8 से 10 नंबर कम होने पर भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। 8 से 10 नंबर यानी कि 100+ नंबर होने पर आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब चलिए देखते हैं मेल EWS कैटेगरी। मेल EWS कैटेगरी को 160 नंबर में से 106 से 110 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्या 106 से 110 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपके नंबर 100 भी है तो आप फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इसके बाद मेल OBC कैटेगरी। मेल OBC कैटेगरी की 160 नंबर में से 107 से 111 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्या फाइनल सिलेक्शन, और कम करके चलो तो फ्रेंड्स 100 नंबर पर आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। 100 नंबर पर रनिंग आप स्टार्ट करके चलिए। ओके, उसके बाद मेल SC कैटेगरी। मेल SC कैटेगरी को 160 नंबर में से 104 से 108 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इनकी
फिजिकल फिजिकल को इन्हें 95 नंबर पर भी बुला लिया जाएगा। ओके 95 नंबर पर। उसके बाद फ्रेंड मेल एसटी कैटेगरी, मेल एसटी कैटेगरी को 160 नंबर में से 100 से 104 नंबर लेके आना फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्या फ्रेंड फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। और फ्रेंड्स क्या है कि जो फिजिकल के लिए उन्हें 92 से 95 के बीच में भी बुला लिया जाएगा। ओके अब चलिए इसके बाद फीमेल की कट ऑफ बताता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में। इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और फ्रेंड्स आपको बता दें जब आपका वो आएगा रिजल्ट तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और लिंक के साथ मिल जाएगी कैसे डाउनलोड करना सब कुछ, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए देखते हैं SSC GD फीमेल कट ऑफ। ओके फ्रेंड्स फीमेल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स फीमेल जनरल कैटेगरी कट ऑफ 160 नंबर में से 160 नंबर में से 105 से 109 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इनका। क्या है 105 से 109 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फीमेल की इतनी कट ऑफ क्या क्यों जाएगी, तो मैं आपको बता दें जैसे कि 46,435 वैकेंसी हो गई थी बढ़कर, उनमें से 4,000 वैकेंसी ओनली फीमेल की है, यानी कि 4,000 वैकेंसी फीमेल की है, बकाया 42,000 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की। इसलिए फीमेल का भी कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 105 से 109 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल की इनकी, तो जनरल कैटेगरी फीमेल की फिजिकल को 100 नंबर पर फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं मेल ओबीसी कैटेगरी, मेल ओबीसी कैटेगरी को 160 नंबर में से 160 नंबर में से 103 से 107 नंबर लेके आना फाइनल सिलेक्शन के लिए, इतने होंगे तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अब अगर बात करते हैं फिजिकल की तो उनका भी 58 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं फीमेल EWS कैटेगरी, उनको 160 नंबर में से 102 से 106 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उनके नंबर 90 हैं तो वो भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल पर बुला लिया जाएगा OBC EWS कैटेगरी की फीमेल लड़की को। उसके बाद फीमेल SC कैटेगरी, फीमेल SC कैटेगरी को 160 नंबर में से 160 नंबर से 58 से 102 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फिजिकली 90 पर बुला लिया जाएगा। और फ्रेंड्स फीमेल एसटी कैटेगरी, फीमेल एसटी कैटेगरी को, फीमेल एसटी कैटेगरी को 160 नंबर में से 94 से 58 नंबर लेके आना फाइनल सिलेक्शन के लिए, और फिजिकल के लिए फ्रेंड्स 8 नंबर कम करके चलिए, यानी कि 88 से लेके 95 के बीच में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये तो रही बात फ्रेंड्स फिजिकल के लिए। अब चलिए बताता हूँ आपको रिजल्ट कब आएगा। फ्रेंड्स जैसे कि आपको बताते हैं कि जो SSC इस बार कर रही है बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। क्या परसाल जो हुआ था पहले जो SSC की वैकेंसी थी वो एक साल में एकदम फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार बहुत जल्दी जल्दी है। जैसे कि चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है, सबसे पहले क्या है देखो बताऊँ फ्रेंड्स, क्या जो नवंबर में वैकेंसी आई थी उन्हें डेट दे दी थी SSC ने कि 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, फिर क्या है कितने फरवरी तक, 14 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगा, हो गया। उसके बाद क्या, फिर जो एग्ज़ाम के बाद 10 दिन बाद आंसर की आती थी, लेकिन क्या हुआ इस बार 10 दिन होने के ना होने के 4 दिन बाद आ गई, यानी कि 18 तारीख को आंसर की देखने को मिल गई थी। आंसर की 18 तारीख को देखने के बाद 25 तारीख तक ये आंसर की रही है, यानी कि 25 तारीख तक आप देख सकते थे। देखने के बाद क्या हुआ फ्रेंड वो अब नहीं दिख रही है, 25 तारीख के बाद आंसर की नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो फरसाल हुआ था आंसर की के 3 महीने बाद करेक्ट रिजल्ट आ गया था, 3 महीने बाद करेक्ट रिजल्ट आ गया था, लेकिन इस बार क्या है कि 3 महीने नहीं 2 महीने बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्या 2 महीने बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो आपकी आंसर की क्या कब आई, 18 फरवरी को। तो 18 मार्च और 18 अप्रैल को आपको आपका रिजल्ट घोषित मिल जाएगा। फ्रेंड इतनी तारीख को आपको रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ओके और फ्रेंड्स उसके 1.5 महीने बाद आपको फिजिकल की डेट मिल जाएगी, फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे उसके 1.5 महीने बाद आपको फाइनल कट ऑफ मिल जाएगी। जैसे कि वो नंबर बढ़ते हैं उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और उसके 1 महीने बाद ज्वाइनिंग आ जाती है। तो फ्रेंड ये प्रोसेसर रहता है और आपको आगे आगे बताता जाऊंगा कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब व्हीकल डेट आएगी सब कुछ। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए पल पल के अपडेट के लिए।